Today I am going to talk about Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte is born 15 August 1769 and died 5 May 1821, was a French statesman and military leader who led many successful campaigns during the French Revolution and the French Revolutionary Wars, and was Emperor of the French as a Napoleon I from 1804 until 1814 and again briefly in 1815 during the 100 days of Napoleon dominated European and global affairs for more than a decade while leading France against a series of coalition during the Napoleonic Wars. He won many of these wars and a vast majority of his battles, building a large empire and ruled over much of continental Europe. Before its final collapse in 1815, Napoleon is regarded as one of the greatest military commanders in his history, and his wars and campaigns are studied at military schools worldwide. His political and cultural legacy has made him one of the most celebrated and controversial leaders in human history. Hindi mein aap logo ko bata do. इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिने जाते हैं। उसने एक फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। याद रखिएगा, नेपोलियन की संहिता। वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक थे। उसके सामने कोई रुक नहीं पा रहा था जब तक कि उसने 1812 में रूस पर आक्रमण नहीं किया, जहाँ सर्दी और वातावरण में उसकी सेना को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँची, मतलब नुकसान पहुँची। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना दिया। 6 वर्षों के अंत में वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने उसे आर्सेनिक का विष दे करके मार डाला। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में वो सेनापति थे। 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कंसल के रूप में शासक भी थे, और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट भी रहे। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 से 1815 में सम्राट बने। वह यूरोप के अन्य कई क्षेत्रों का भी शासक थे और मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट को मैं उन्हें देख करके मैं कुछ सीखता हूँ। वो शासक के रूप में मुझे काफ़ी पसंद है। नेपोलियन बोनापार्ट हो गए, आपको हिटलर भी हो गए। देखिए, हिटलर को लोग बुरा आदमी कहता है, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं था। हिटलर बहुत अच्छा आदमी था, ये जान के चलिए, क्योंकि वो अपने देश के लिए सोचता था, अपने देश के लिए करता था कुछ। हिटलर ने नेपोलियन को फॉलो किया, और नेपोलियन ने अलेक्जेंडर को फॉलो किया, सिकंदर को। तो अलेक्जेंडर भी तो विश्व विजेता कहलाए, लेकिन जब भारत आए तो वो फिर यहाँ से उन्हें वापस लौटना पड़ा हार के, भारत वो नहीं जीत पाए। तो अलेक्जेंडर को नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट को हिटलर, लगभग ये तीनों की कहानी सेम है। लेकिन इसमें नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासन रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, और काफ़ी लड़ने वाले योद्धा थे, पीछे भागने वाले योद्धा नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना करके उन्हें मार दिया। धन्यवाद।